अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है हमजा डोकर और आप देख रहे हैं सरगोधा टैलेंट। जो चाय के शौकीन है वो तो इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। मेरे साथ मौजूद है राणा तारिक साहब, जेलदार ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक। सर क्या हाल चाल है आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमजा, आने के लिए बहुत शुक्रिया। राणा साहब मुझे बताना चाहेंगे कि ये आइडिया आपको कब आया, आपने होटल की बुनियाद रखी, मतलब कैसे आपको आइडिया आया, कब आपने ये होटल चलाना शुरू किया और इतनी तरक्की तक आपने पहुँच के, मतलब 3-4 ब्रांचें आपकी हैं सरगोधा के अंदर, कैसे ख्याल आया आपको। देखिए हमजा, सबसे पहले तो ये कि ये अल्लाह का फजल होता है और बंदे की मेहनत ही होती है सिर्फ इसमें, बाकी अल्लाह का फजल होता है जो सब कुछ होता है। ये हमारा भाई बिजनेस है और वालिद साहब का काम था, तो इस चीज़ को करने के बाद फिर सभी भाई हम इसमें ऐड हो गए। फिर इसको थोड़ा सा मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक किया गया और ज़ाहिरी बात है फिर जब आप वक्त के साथ साथ वसाइल को बढ़ाना ज़रूरी होता है, तो वसाइल को बढ़ाने के लिए हमने लोगों को, ज़ाहिर है इसमें एक बिज़नेस था, लोगों को भी हम किसी तरह से साथ अटैच कर सकते हैं, हमारी लेबर थी बहुत बड़ी, तो उनके लिए ज़ाहिर है कारोबार को बढ़ाना था और साथ साथ लेबर को अकोमोडेट करना था, फिर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपके जो प्रॉब्लम होते हैं वो बिज़नेस से दूर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसी बिज़नेस को, क्योंकि हमारा ये होम बिज़नेस था तो इसको हमने अपग्रेड किया। अच्छा, पहली पहली जब वालिद साहब ने शुरू किया तो पहली आपकी जब चाय की जो दी ब्रांच, वो किस जगह थी सरगोधा में। हमारी पहली ब्रांच आज भी मौजूद है और वो सरगोधा में ब्लॉक नंबर 11 अम्बाला स्कूल के पास थी और वो बड़ा एक छोटा सा ठिया होता था जिसे आप रेडी टाइप भी कह सकते हैं, तो वहीं पे हम सब लोग काम करते थे इकट्ठा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह के फजल के साथ साथ आज आपके सामने है। आज हमारी सरगोधा में 5 ब्रांचेस हैं। अच्छा, आपने नाम रखा है जेलदार होटल्स, जेलदार का मतलब क्या। कुछ लोग जो अनजान है, मतलब उन्हें नहीं पता होता कि यार नामों का मतलब क्या है, वो देखते हैं फिर पूछते हैं किसी से, ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि जेलदार का मतलब क्या, क्या सोच के आपने जेलदार नाम रखा। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जेलदार मेरे वालिद साहब का नाम था राणा जेलदार और उन्हीं के नाम से जेलदार होटल था। फिर हमने इसको IPO से रजिस्टर्ड करवाया है, ट्रेडमार्क लिया है जेलदार को। अभी जैसे आप देखते हैं KFC है, मैकडोनल्ड है, इसी तरह से इंटरनेशनली रजिस्टर्ड करवा चुके हैं हम लोग, इसका ट्रेडमार्क हमारे पास है और इसके तमाम तर कानूनी जो हैं वो हमारे पास हैं, वालिद साहब के नाम पे ज़्यादा रखा, दैट्स इट। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि ज़िंदगी में मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी आपको मतलब महसूस हुआ हो कि अप डाउन हुए हैं हालात, तो आपने कहा हो कि यार ये होटल मतलब नहीं ऐसे काम दे रहा जैसे मैं चाहता था, आपने कभी इसको तंग आकर बंद करने का सोचा हो, हालात ऐसे आ ही जाते हैं, कभी ऐसा ज़िंदगी के अंदर आपने देखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ हो। देखिए जी, हालात पे तो डिपेंड करता है किस किस्म के हैं और हमारी ज़िंदगी में क्योंकि मैं जो भी बंदा, मेरे अलावा जो भी बंदा ग्राउंड से ऊपर आता है ना, वो बड़े असाबी कुव्वत का मालिक होता है, हालात से उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत सब करते हैं फील इस चीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं आए कभी भी कि हमने इसको वाइंड अप करने का सोचा हो, क्लोज करने का सोचा हो, क्योंकि एक रेडी से आप गए हैं 5 ब्रांचेस की तरफ और वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शानदार है, तो ये आपने तरक्की की होती है, उसको संभालना होता है, मैनेज करना होता है। तो इन शॉर्टली हमारी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई वीक कमज़ोर लम्हा नहीं आया जिसमें हमने ये सोचा कि हम इसको क्लोज कर दें, बंद कर दें या अनदर बिजनेस की तरफ चले जाएँ। पार्ट टाइम सेकेंड टाइम बिजनेस हो सकते हैं लेकिन क्लोजिंग का नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि राणा साहब, मतलब यहाँ पे बहुत तादाद में लोग आते हैं, जिससे भी पूछो यार चाय पीनी है तो हर बंदे के मुंह पे नाम होता है यार जेलदार जाना है, वहाँ की चाय बहुत मशहूर है। ऐसी कौन सी आप आइटम इस्तेमाल करते हैं, पत्ती इस्तेमाल करते हैं जो चाय को खुशगवार बना देती है पीने वाले के लिए, और पीने वाला कहता है कि नहीं यार जेलदार ही जाना है, मतलब ऐसी क्या है आप डिफरेंट चीज़ पत्ती इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ बताना चाहिए। इस पर सबसे पहले तो मैंने ये बात आज तक किसी भी अपने इंटरव्यू में नहीं कही और बहुत से लोगों ने हमारे इस बारे में इंटरव्यू किया और ये फर्स्ट टाइम आपके चैनल से हम ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये अल्लाह का फजल होता है, जी जी, मालिक की अता होती है। दूसरा, ये हमारी जो रेसिपी है ना चाय की, इसका बकायदा एक स्पेसिफिक फार्मूला है, सीक्रेट है जो हम आउट नहीं कर सकते और उसके बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अच्छा, ऐसा ऐसा होता है कि एक चीज़ का जो जायका तो बरकरार रहता है लेकिन बनाने वाला जो होता है चाय, मतलब कोई भी रेसिपी, मतलब जो डिफरेंट चाय का सवाल हो रहा है, चाय बनाने वाला उसको ऐसे तरीके से बनाए कि उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए, वो चाय बनाने वाले का कमाल भी होता है इसके लिए। इसमें जो है ना, सबसे पहले तो रेसिपी ही मैटर करती है जो हमारी सीक्रेट है। आप हमारे पास कोई नया बंदा छोड़ेंगे, 2 दिन में वो चाय आपको वही देगा जो हमारी बन रही होती है रूटीन मुताबिक, जेलदार की जो चाय है वो बन रही होती है, क्योंकि वो रेसिपी को फॉलो करता है। बनाने वाले को सिर्फ बताया जाता है मिकदार कैसे मेंटेन करनी है और इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। आप किसी को भी खड़ा करेंगे जब जेलदार पे आएगा तो वो जेलदार का ही टेस्ट बनाएगा। अच्छा साहब,
माशाल्लाह आपके इस ब्रांच पे मतलब काफ़ी ब्रांचेज जो अभी 5 ब्रांचेज हैं उसके ऊपर लेबर काम कर रही है, आप इनके रिज़्क का जरिया बने हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहेंगे कि उनको जॉब करनी चाहिए या कम इन्वेस्टमेंट कर कर ऐसा कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या मतलब कोई और कारोबार करना चाहिए, जवान नस्ल जो हमारी है उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने कोशिश ये की थी ख़ासतौर पे इस ब्रांच पे, ये जो ब्रांच हमारी ब्लॉक नंबर 14 वाली है, ये हमने बनाई थी ख़ासतौर पे लेबर के लिए कि इस ब्रांच से हम लोग लेबर ही को अकोमोडेट करेंगे और आज तक ऐसा ही होता आ रहा है। बाकी रह गया नौजवान नस्ल को जो है ना पहले अपने आप को जज करना चाहिए कि वो किस काबिल है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको ठोंस दिया जाता है कि आप अपना बिज़नेस करें, आपने बिज़नेस एबिलिटी नहीं होती, आप जॉब पर्सन होते हैं और आप बिज़नेस की तरफ चले जाते हैं। तो पहले तो आप अपने आप को जज करें कि आप क्या हैं, फिर जज करने के बाद अपने आप को आप पॉलिश करें, ग्रूम करें, अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए कि आपने क्या करना है, फिर जो करना है उसको सीखें। आप कोई भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं उस बिज़नेस को सीखें, उसके अप डाउन सीखें, उसका परचेजिंग सीखें, उसकी मार्केट देखें। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आपको अपने बिज़नेस का स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और जॉब्स कर रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि यार मेरे में ये एबिलिटी नहीं है, ये हिम्मत नहीं है, बिज़नेस के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अगर आप में ये हिम्मत नहीं है तो आप जो जॉब कर रहे हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते कि जनाब जॉब करना बुरी बात है, जॉब करना भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते बिज़नेस तो आप जॉब करें अपनी एबिलिटी के मुताबिक। अब एक चीज़ आपके जो है एप्टीट्यूड के मुताबिक नहीं है तो आप रुझान के मुताबिक नहीं है तो आप वो करना शुरू कर देंगे तो आप उस पर तंग हो गए। तो इसको हम समराइज ऐसे कर लेंगे कि आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए उस पर चले कि आपका रुझान क्या है। अच्छा साहब, आप इंसानियत की खिदमत के बड़े आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मैंने ये नोटिस भी किया है। आपने अभी रिसेंटली होटल के अंदर वो बोर्ड भी लगाया है कि जिन हजरात के पास पैसे नहीं है वो टोकन उतार कर चाय पराठा लेके खा सकते हैं, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, बिजनेस आपका कोई भी हो, जब तक आप उसमें मखलूक का हिस्सा नहीं रखेंगे, अल्लाह के बंदों का हिस्सा नहीं रखेंगे, ये ज़रूरी है। हम क्योंकि मुसलमान हैं, खैराती सदकाती सिस्टम हमारे हाँ बड़ा राइज है, तो फिर उन लोगों के लिए भी हिस्सा ज़रूर होना चाहिए जो मुस्तहिक है। ये मेरा ख़ास तौर पे, मैं इसे क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा इस बात का, इसका क्रेडिट जाता है मेरे प्रोफेसर हैं कासिम अली शाह साहब, मेरा मिस्र में टूर था उनके साथ, तो वहाँ पे एक होटल में उन्होंने मुझे बताया, नाश्ते के बाद हम लोग थे एक साइड पे, उन्होंने कहा तारिक के जो रिज़क को ज़रब देने वाला फार्मूला है ना वही है कि मखलूक की इज्जत करें और रब के नाम का 25% खैराती सिस्टम में आप लगाएं। आज तक हम वो कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिस्टम चल रहा है, पहले से बेहतर है, और कहीं ना कहीं रब की मखलूक से प्यार, लोगों को नवाजना और ख़ासतौर पे जो बंदे मुस्तहिक हैं उनको ख़ासतौर पे नवाजना, ये सबके कारोबार में होना चाहिए। होता भी है, लोग कर भी रहे हैं, लोग बड़े ही छुपे हुए तरीके से कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ख़ास तौर पे मुस्तहिक लोगों को ब्लाइज करने का एक तरीका है। अच्छा, आखिरी बात मैं करना चाहूँगा रन साहब, माशाल्लाह बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल भी रहा है, आपको अभी आपने रिसेंटली लाइव न्यूज़ सरगोधा के नाम से एक चैनल अपना इंट्रोड्यूस कराया फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे, ये मतलब सरगोधा लेवल के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं उनकी मसले होते हैं उनके, वो मतलब खुल के बताना नहीं चाहते, आप मतलब सरगोधा के मसलों को पाकिस्तान लेवल पे लेके आ रहे हैं, ये आप आइडिया बताना चाहेंगे कि ये कैसे आपको आइडिया आया, मतलब आपने क्या सोचा इसमें? हमदा डोगर साहब, आप चाहे अमेरिका के सदर हैं चाहे पाकिस्तान के किसी कच्ची बस्ती के रहने वाले, इन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि दोनों का जो फ्यूचर है वो मौत है, आपको मरना ज़रूर है, और जब आपने मौत की तैयारी करनी है तो ये चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। आप कुछ भी हैं, आप टैक्सीडो सूट पहनते हैं या लंडे की पैंट, आपने मरना है तो आपको उसकी तैयारी करनी है। ये जो सारे मसाइल को लेके चलना, इन पर बात करना, फलाही सिस्टम, सोसाइटीज़, फाउंडेशंस, इन पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारी सिर्फ एक मरने की तैयारी है कि जब हम मरने के लिए मर जाएं तो हमारे पास एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसा खाता हो कि जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल आएँ जिससे अल्लाह राज़ी हो जा रहे हो, हम बख्शे जाएँ, ये सारी उसकी तैयारी है, उसके अलावा ये कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। ये हमारे साथ ही राणा तारिक साहब मौजूद थे, इन्होंने मतलब बहुत अच्छी बातें हमें बताई और हमारे इलम में इजाफा भी हुआ है। तो मेरा बात करने का सिर्फ ये मकसद था कि यहाँ पर आना और इंट्रोड्यूस कराना कि इस तरह के सरगोधा के अंदर रेस्टोरेंट हों और इस तरह की जगह हो जहाँ पे आवाम को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सके,
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जेलदार होटल की चाय का टेस्ट नहीं कैसा लगता है, कितना अरसा हो गया यहाँ से चाय पीते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक लग। क्या नाम है आपका भाई जान? मेरा नाम राणा मोहम्मद उस्मान है। भाई कितना अरसा हो गया आपको जेलदार होटल पर आते हुए चाय पीते हुए? ये जब से ये ब्रांच खुली है इसको हो गए तकरीबन 2.5-3 साल हो गए, और इससे पहले इनकी दूसरी ब्रांच तकरीबन को मैं तो 10-11 साल से चाय पी रहा हूँ जेलदार की। तो आप तो बहुत पुराने कस्टमर हैं इनके, तो आपको उनका टेस्ट कैसा लगता है? मतलब टेस्ट में कभी 10-12 साल में कोई फ़र्क आया हो चाय के अंदर, या वैसी की वैसी ही है? नहीं, इनकी चाय बहुत मज़ेदार है, उनका टेस्ट जो है ना वो एक ही है हर ब्रांच का ना। इनकी जितनी ब्रांचें हैं मैंने जहाँ भी पी, इनकी जो है ना वो चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है। और हमें तो घर की चाय अच्छी कौन ही लगती भाई, हमें तो सबसे अच्छी चाय इन्हीं की लगती है, तो हम यहीं पीते हैं। अच्छा, ऑडियंस को तो क्या पैगाम देना चाहेंगे भाई, जेलदार होटल पे आना चाहिए? मतलब रात को देर जो लोग नाइट पे घूमते फिरते हैं, रातों को बाहर निकल जाते हैं और रात लेट घर आते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है भाई? मैं खुद रात को घूमने फिरने वाला हूँ, रात को लेट जाने वाला हूँ, और यहाँ जैसे ये रूफ टॉप है ये बड़ा अच्छा पॉइंट है ऐसे लोगों के लिए, वो रात को आके यहाँ बैठें चाय शाय पियें, और यहाँ एक ओपन एयर है रात को बैठने का, दोस्तों के साथ गपशप करने का बड़ा अच्छा पॉइंट है, और दूसरा चाय पी के ज़रा वैसे जो है बंदा थोड़ा सा फ्रेश फील करता है, तो आना चाहिए लोगों को यहाँ एक बार, इनको चेक करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपने अपने ख्याल से हमें आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक लग शुक्र, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद वसीम। कितना अर्सा हो गया जेलदार होटल पर आते हुए? तकरीबन 4-5 साल हो गए। कैसा लगा आपको चाय का टेस्ट, के भी फ़र्क आया हो चाय में? माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, जायका भी है, मियार भी है एक अच्छा। इंतज़ामिया जो है होटल की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब बहुत अच्छा है इंतज़ाम भी, हाँ अलग किस्म का इंतज़ाम है ना, मतलब काफ़ी होटलों में ऐसा इंतज़ाम नहीं लगा। अच्छा, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता कि चाय किसी को ऑर्डर दिया हो चाय का और ऑर्डर 10 मिनट के आने के बजाय आधा घंटा या घंटा लग जाता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अच्छा, और आपको यहाँ पे चाय के अलावा क्या चीज़ मिलती है खाने में? मतलब पराठे हो गया, मतलब कोई चीज़ भी चाहे वो मतलब यहाँ से ना अवेलेबल है, मतलब खा सकते हैं हमें ये मतलब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या भाई का? फहद। अच्छा भाई, कितना अर्सा हो गया जेलदार आते हुए? मुझे 4-5 साल। अच्छा, मुझे बताएँ कि जेलदार होटल की 5 ब्रांचें हैं सरगोधा में, तो हर ब्रांच का मुख्तलिफ टेस्ट है, या इस ब्रांच का अलग है, या दूसरी का अलग है, या तीसरी का अलग है? मैंने तकरीबन ज़्यादातर तो ये ट्राई किया कि मुझे मेरी रिहाइश इधर ही है, नज़दीक है, तो बाकी उधर की भी ट्राई की है, लेकिन ये बेस्ट है। अच्छा, ये वाली बेस्ट है जी। तो इनकी एक जो ब्रांच वो बाला स्कूल वाली है जी, उसका टेस्ट कभी आपने इन्जॉय किया हो जाएगा? शुरू स्टार्ट में किया था, क्योंकि बेसिकली मेरे ख्याल से स्टार्ट उधर से ही हुआ है इनका, ठीक है, तो फिलहाल काफ़ी अर्सा ही होगा उधर का टेस्ट ट्राई किए, फिलहाल इधर ही है। मतलब आपका इस होटल का टेस्ट अच्छा है बहुत। और पराठे के जो वहाँ पे मिलते हैं लेमन सोडा है, उसके बारे से क्या ख्याल है आपको? सबसे बेस्ट है ना जो इनका सादा पराठा है, मतलब आप आलू वाला रख लें, दूसरे रख लें, 3-4 रख लें, तो सबसे बेस्ट है ना जो चाय के साथ, तो वो आपको ये पराठा मज़ा कराए। आलू वाला मतलब सादा पराठा? सादा पराठा।